नित्य जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में कविता। यूं तो हिंदी कविता की प्रायः सभी पूर्व प्रवृत्तियां स्वातंत्र्योत्तर काल में भी परिलक्षित होती हैं, किंतु नई काव्य प्रवृत्ति के रूप में सबसे अधिक चर्चा नई कविता की हुई। ईस्वी में दूसरा सप्तक और 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। संपादक अज्ञेय ही थे। तार सप्तक यानी पहला सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसका प्रमुख स्वर प्रगतिशील काव्य का था। दूसरे और तीसरे सप्तक में स्थिति भिन्न हो गई। दूसरे सप्तक के कवि हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, शंकुत माथुर, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती थे। तीसरा सप्तक के कवि थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण साही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसी बीच मासिक पत्रिका प्रतीक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके संपादक अज्ञेय थे। फिर निकष, नई कविता आदि साहित्यिक पत्रिकाएं लगातार निकलीं। ये सामाजिक प्रतिबद्धता से कविता को दूर ले जाना चाहती थीं। उनकी मुख्य चिंता ये थी कि कविता के क्षेत्र में राजनीति को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। प्रयोगवाद प्रगतिशील काव्य धारा के समानांतर प्रवाहित होने वाली काव्य प्रवृत्ति है। इसमें कविता की निजता की सुरक्षा का आग्रह है। प्रयोगवाद में मोह भंग और उससे उत्पन्न व्यंग्य विद्रूपता की मनः स्थिति प्रमुख है। स्वाधीनता के उपरांत व्यवस्था से असंतोष और द्वितीय विश्व युद्ध में नरसंहार के कारण मानवीय प्रयत्नों पर से विश्वास उठ गया। देश काल की असीमता के बोध ने मनुष्य को नगण्य बना दिया। इससे शिक्षित युवा कवियों के मन में एक प्रकार के मोह भंग की स्थिति पैदा हुई। ये अज्ञेय और प्रभाकर माचवे की कविताओं में दिखलाई पड़ने लगता है। इसी मनः स्थिति में अज्ञेय चांदनी को वंचना कहते हैं और प्रभाकर माचवे लिखते हैं, विज्जा काया के दो पद्य सुनकर चित्त हुआ गदगद। गदगद होना गदगद होने का मजाक उड़ाना हुआ। ये प्रवृत्ति प्रपद्यवाद में और आगे बढ़ी, जिसमें मन को बिल्कुल खुला छोड़कर कविता हुई तथा अनगढ़ और अपरिचित शब्दों का प्रयोग भी बहुत हुआ।
नई कविता। प्रयोगवाद में प्रयोग पर बल है, नई कविता में प्रयोग पर बल नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिए कि कालांतर में मुक्ति बोध जैसे प्रगतिशील कवि ने भी स्वयं को नई कविता का कवि घोषित किया। नई कविता के कवियों में लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण साही, विपिन अग्रवाल एवं श्रीराम वर्मा प्रमुख हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप में अस्तित्ववाद की लहर तेजी से फैली। सार्त्र और कामू इसके नए विचारक बने। अनिश्चय, चयन की पीड़ा, मानव इतिहास की व्यर्थता, मृत्यु का संत्रास इसके प्रमुख सूत्र हैं। इससे हिंदी के विचारक और कवि भी प्रभावित हुए। अजनबीपन की बात यहाँ भी होने लगी। जिन ऐतिहासिक स्थितियों में यह यूरोप में 20वीं सदी में प्रभावशाली बना था, वे स्थितियां भारत में नहीं थीं। लेकिन विचार में इससे प्रभावित होना अस्वाभाविक नहीं था। विशेष रूप से अज्ञेय धर्मवीर भारती जैसे कवियों के लिए, जिनकी कविता साहित्येतर अतिरेकों से अपने को सुरक्षित रखना चाहती थी। समाजवादी विचारधारा द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अस्तित्ववाद की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक पैमाने पर फैल रही थी। अनेक नए देशों में समाजवादी व्यवस्था आ गई थी। इससे कुछ कवियों को आशंका हुई। अज्ञेय साहित्य एवं व्यक्ति की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्हें व्यक्तिवादी कवि कहा गया है। नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला आदि उनकी प्रतिनिधि कविताएं हैं, जो साहित्य की विशिष्टता की सुरक्षा और व्यक्ति स्वातंत्र्य का प्रतिपादन करती हैं। एक रूपता की अस्वीकृति अज्ञेय की कविताओं की टेक है। उनके बिंब भी प्रायः ऐसे होते हैं जहां एक रूपता को चीर कर कोई दूसरी वस्तु अकेली गतिशील होती है। अज्ञेय जहां अपने व्यक्तित्व को किसी दृश्य या विचार में तल्लीन कर लेते हैं, वहां वे उत्कृष्ट काव्य रचते हैं। उन्होंने प्रकृति पर अनेक उत्कृष्ट कविताएं लिखी हैं। नई कविता में सभी वादों से मुक्ति और लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। इस प्रवृत्ति से यह अवश्य हुआ कि व्यक्ति की सामान्य मनःस्थितियों को अभिव्यक्त करने वाली कुछ ऐसी कविताएं लिखी गईं जो सचमुच नई थीं। नई कविता के कवि मध्यवर्गीय व्यक्ति के मन की जटिलताओं को अधिक अपनापे से प्रकट करते हैं, यद्यपि उन्हें समझने का उतना प्रयास नहीं करते। ईस्वी के बाद अकविता का जो दौर आया, उसमें अस्वीकृति का तेवर सीमा पर पहुंच गया। अकविता का आशय ऐसी काव्य प्रवृत्ति से था जैसी कविता अब तक नहीं हुई है। इसके लिए उसके नाम में ही परंपरा को पूरी तरह नकारने का भाव था। वस्तुतः यह विवेक पक्ष की उपेक्षा करके विद्रोह या व्यवस्था विरोध की काव्य प्रवृत्ति थी। अकविता के बाद एक बार फिर प्रगतिशील चेतना संपन्न युवा कवियों की कविताएं कविता की मुख्य धारा बनी। नई कविता की प्रवृत्तियां। नई कविता लघु मानव की कविता है। लघु मानव से आशय दिशाहारा एवं विचारधारा से रहित उपेक्षित सामान्य मनुष्य से है। नई कविता
अपने को राजनीति से दूर रखती है। वह समाजवादी और पूंजीवादी दोनों शिविरों से समान दूरी रखती है। नई कविता लघु मानव के दैनंदिन सामान्य अनुभवों की अभिव्यक्ति करने में विश्वास रखती है। मुक्तिबोध ने नई कविता शब्द का प्रयोग व्यापक काव्यधारा के अर्थ में किया है। आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में कविता। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर के चंदन और सुनीता चौहान। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनि अंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।